हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति। और आज की इस मॉर्निंग रूटीन में मैं अपना दिखाने वाली हूं कि आज मैं क्या बना रही हूं। तो फिलहाल आज मैं बना रही हूं मटर का छोला और पूड़ी। पूड़ी के साथ जैसे बच्चों के लिए मैं पूड़ी बना रही हूं, और बनाऊंगी कचौड़ी चाट। तो कचौड़ी चाट बनाना बहुत ही आसान है और मैं हमेशा कचौड़ी चाट ही बनाती हूँ, उसके साथ पूड़ी नहीं बनाती। जब भी मटर का छोला बनाती हूँ तो आज मैं कचौड़ी बनाऊँगी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन सब के लिए टिफिन के लिए मैं पूड़ी बना दूँगी दो चार। तो इधर मैं चना भिगो के रखी थी मटर, अभी उसको फिर थोड़ा देर देख लेती हूँ इसमें कुछ कीड़े वगैरह नहीं है। फिर उसको साफ़ करने के बाद अपना डाल दूँगी कुकर में सीटी के लिए। तो सीटी लग जाएगी, आराम से हो जाता है। तब तक मैं सुबह सुबह अपना सारा काम भी कर ली हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। इससे पहले मैं ब्रश वगैरह करना है तो मटर रख दूँगी, तब तक होता रहेगा और फिर मेरा और भी काम होता रहेगा। तो इधर मैं कुकर में डाल दी मटर, उसमें पानी और फिर नमक और हल्दी ये सब डाल के मैं बॉयल करती हूँ। इसके साथ वो बेकिंग सोडा डालूँगी, इसको खाने वाला भी सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा जो भी बोल सकते, तो ये भी डालूँगी। इसको डालने से एक सीटी में ही हो जाता है, कैसा भी मटर हो आराम से एक ही सीटी में हो जाएगा। तो फिलहाल इधर मैं गैस पे अपना कुकर चढ़ा दी, कुकर हो रहा है, फिर चलते हैं। तब तक ब्रश करेंगे बच्चों को, बच्चे भी जग गए हैं तो इन सबको ब्रश वगैरह सब कराएंगे। तो साथ साथ अगर जिस दिन छोला बनाना रहता है मैं ऐसे ही करती हूँ, अपना झाड़ू पोछा करने के बाद रख देती हूँ, होता रहता है। उसके बाद मैं इधर अपना ब्रश करने के बाद सब निकाल दी हूँ, प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्चा सब रख दी हूँ काटने के लिए। अब काट वाट के सब चलती हूँ, बनाती भी रहूँगी। अब बच्चों को भी दूध वगैरह सब दे दी हूँ, इधर दूध में रखी दही जमाने के लिए, तभी दूध बॉयल होकर गिर भी गया। तो इधर टमाटर वमाटर सब काट ली, अदरक कूट ली, तो बाकी प्याज और सब भून रही हूँ मैं, जिसमें मैं तड़का मारी मस्टर्ड और जीरा का। उसके बाद चिल्ली और प्याज डाल के अपना भुनना शुरू कर दी। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा ब्राउन हो जाता है तब अदरक और लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, फिर सारा अच्छे से पकेगा। तब तक मेरा बच्चा भी अपना दूध, एक दूध पहले से पी ली थी, एक अभी पी के ला के दे दिया अपना कप वगैरह। सब बच्चों की भी ड्यूटी रहती है अपना सुबह सुबह रेडी कराना रहता है, खा पी के रेडी होते हैं। तो इधर पाउच आया एक फ्रिज के लिए, आइस खाएगा, यही करते हैं मेरे बच्चे, फ्रिज में ढूंढते रहते हैं आइस। तो फिलहाल वहाँ से मुझे भगाती भी रहती हूँ, लेकिन जब भी नहीं देखो ऐसे ही करते हैं। तो मैं मोबाइल में देखी कि वो घुसा हुआ है, क्योंकि मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो अभी इधर धनिया पत्ता भी काट लेती हूँ, मैं सब कुछ एक ही साथ काट वाट के रख लेती हूँ तो सही रहता है, बस बनाना रहता है। साथ साथ तड़का भी मारती रहती हूँ ताकि एक साइड होता रहता है, और काटती भी रहती हूँ। तो अपना ये सब क्लीन भी करना है, किचन साथ साथ मैं क्लीन भी करती रहती हूँ, क्योंकि काम पड़ता रहता है। ऊपर ही स्पेस बहुत कम है ना इस रैक का, इसलिए थोड़ा और प्रॉब्लम होती है, इसलिए साथ साथ एकदम सफाई भी रखना पड़ता है, तभी अपना आराम से खाना वगैरह कुछ भी हो पाता है। तो सुबह का काम एकदम फास्ट फास्ट होता है, क्योंकि अब लेट होता रहता है तो जल्दी जल्दी सारा काम करना रहता है। तो इधर मैं गैस भी देखती रहती हूँ, कम बेसी होता रहता है। और इधर मटर भी हो गया है, एक सीटी में ही हो जाता है अगर बेकिंग सोडा डालने से, आराम जो मीठा सोडा जो भी आप लोग बोलते हो, तो मैं तो ये बोलती हूँ। उसके साथ मैं आटा भी लगा लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि बच्चों के लिए बस पूड़ी बनाना है थोड़ा सा, बाकी बाद में मैं जब बच्चों को छोड़ के आऊँगी, जब भी खाना होगा तब मैं कचौड़ी बनाऊँगी। तो इधर मैं पूड़ी के लिए आटा लगा रही हूँ, वो भी अपने जल्दी जल्दी करती हूँ, थोड़ा सा लगाना है। तो साथ साथ तो छोला भी हो ही रहा है, और बच्चों को भी देखना है क्या करें क्या करने कर रहे हैं। तो बच्चों को खिला पिला कर रेडी कर दी हूँ, फिर भी आगे पीछे घूमते रहते हैं मेरे बच्चे ऐसे ही करते। आटा लगाने के बाद फिर मैं मसाला सारा सब ऐड करूँगी। तो इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, नमक थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि पहले मैं डाल के बॉयल की हूँ। तो अब मसाला के लिए मैं सारे मसाले उठा लाई हूँ, उसके बाद मैं सारे मसाले डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा जो भी मसाला हो, गरम मसाला, सब्जी मसाला, पनीर मसाला, सारे मसाला, छोला मसाला सब डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा डालने से टेस्ट और अच्छा जाता है, और छोला मसाला तो कंपलसरी है ही, लेकिन बाकी सब मसाला भी मैं डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर सब कुछ। तो इसे मेरे को टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं सब डालती हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ओनली कोई छोला मसाला भी डालता है, लेकिन मैं सारे ही मसाले ऐड करती हूँ, तभी मेरे को अच्छा लगता है। एकदम तीखा चटपटा होना चाहिए, बच्चे भी धीरे धीरे सीख रहे हैं थोड़ा तीखा वीखा खाना। तो इधर मसाला वसाला भुन चुका है तो एकदम अच्छा से गल भी गया है, नमक पहले डालने से अच्छे से गल जाता है, और मटर भी अच्छे से एकदम गल के ये भी हो चुका है। इसको मैश करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं होता है तो थोड़ा बहुत मैश भी कर दिया जाता है, लेकिन मेरे को मैश करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसमें डालेंगे। अब बॉयल होने से मतलब जब भी होगा तभी उतार देंगे, एकदम परफेक्ट पानी वानी सब कुछ है, अलग से पानी वानी ऐड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब इसे बॉयल हो जाएगा, फिर धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स करके फिर अपना उतार देंगे, क्योंकि छोला रेडी हो चला है एकदम। और फिर मैं इसको अलग बर्तन में सब निकाल दूंगी, क्योंकि पूड़ी छानना है तो मेरे पास कढ़ाई एक ही है, तो अपना कढ़ाई खाली करूँगी, फिर उसके बाद पूड़ी भी छानना है बच्चों के लिए। तो कुकर वुकर सब मैं अपना सिंक में डालूँगी, उसको धोना भी है, सब इधर का क्लीन करूँगी, उसके बाद पूड़ी छानना शुरू करूँगी। तो इसको मैं भगोने में अपना निकाल देती हूँ छोला, तो इसको दूसरे बर्तन में पलटने के बाद इसको मैं साइड में रख दूँगी, रैक पर रख देती हूँ, फिर इधर का एरिया खाली करती हूँ, फिर मैं अगला काम करती हूँ।
और फिर इसके बाद थोड़ा निकालते निकालते मेरा हाथ भी जल गया। उसके बाद ये सब सारा काम हो चुका है, मैं इधर का सब सामान हटा दी हूँ और फिर गैस वगैरह सब साफ़ करूँगी अच्छे से। फिर बर्तन वर्तन सब जो धोना था सब मैं धो चुकी हूँ और फिर कढ़ाई को रख दी गैस पे, तेल डालूँगी, फिर पूड़ी छानने का काम करना है अपना। तो इधर का बर्तन जो है ये सब हटा के जहाँ जहाँ रहता है वहाँ अपनी जगह पर शिफ्ट करूँगी। तो ये सब करने के बाद अब पूड़ी बिछाना है, तो इधर का ये सब मैं टाइल्स पे ही अपना पूड़ी वूड़ी रोटी जो भी बनाना रहता है उसी पे बनाती हूँ, क्योंकि ये भी अच्छा है, एकदम नया लगा हुआ है तो क्लीन है अपना, इसी पे बन जाता है। बाकी वो चकला होता है तो वो इधर उधर फिसलता रहता है, इसलिए मैं उसका यूज नहीं करती। तो तेल वेल में डाल चुकी हूँ, साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। तो जब भी पूड़ी छान लूँगी तो अपना चाय वाय भी पी लूँगी। तो फिलहाल इसके साथ साथ रेडी हो रहा है और तेल भी डाल दी, गर्म हो रहा है चाय के लिए। अपना अदरक अदरक जो भी चाय पत्ती और लौंग मिर्च जो भी सब मैं मसाला डालती हूँ, सब कूट उट के अच्छे से डेली का डेली इतना तो मैं डाल के बनाती हूँ चाय को एकदम कड़क। तो चाय में सब कुछ डालने के बाद चीनी वगैरह सब डाल दूँगी, फिर अपना पूड़ी वूड़ी छानना भी है, तो आप लोग आगे भी देखते रहिए। पूड़ी बनाने के लिए इधर छोटा छोटा चकला मैं काट लेती हूँ, फिर अपना साथ में ही पूड़ी छान लेती हूँ। तो थोड़ा सा ही छाना है, ज़्यादा तो छानना नहीं है। इधर पूड़ी वूड़ी सब बेल ली, अभी छान भी रही हूँ तो गर्म गर्म तेल में अपना फ्राई कर रही हूँ। अपना फटाक से खुल रहा है, जब तक रेड नहीं होता तब तक अच्छा नहीं लगता है पूड़ी, तो एकदम लाल लाल रहता है तो ही मेरे को भी पसंद है। तो अपना ये सब साथ साथ रेडी हो गया है सब कुछ, अब लास्ट बचा है एक दो बचा है तो सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं अपना आगे का काम करती हूँ। चाय वाय पीना है तो इधर का क्लियर करने के बाद ही। तो ये सब देखिए पूड़ी फूलने में मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से फूल जाते हैं सारे पूड़ी, और चाय भी रेडी हो चुका है, सारी पूड़ी एकदम रेड रेड निकल रही हैं। तो सारा इधर हो गया, दो बचा है, लास्ट ये भी हो जाएगा। फिर इसको मैं अपना जगह पे इसको भी अपना सेट करूँगी जहाँ रखती हूँ। तो हॉट केस वगैरह सब ले ली हूँ, उसमें भर दूँगी, चाय भी हो गया, चाय भी छान लेती हूँ। तो इन सबको अपना साइड करूँगी, सब हो गया। उसको पूड़ी भरने के बाद हॉट केस को मैं ढक दूँगी, थोड़ा नरम रहेगा, बच्चों को टिफिन में ले जाना है, ऐसे तो थोड़ा क्रंची रहता है ना, तो उसमें ढक देने से नरम हो जाता है, तो फिर अपना बच्चे टिफिन में अच्छे से ले जाकर खा पाएंगे। तो इधर बच्चे आज पूड़ी छोला बनाए तो बैठ गए कि मम्मा दे दो खा ही लेते हैं थोड़ा बहुत, तो अपना दे दी, अपना एक दो लेके बैठे हैं, लेकिन फिर आते ही बोलने लगे मम्मा खिला दो। उसके बाद हम लोग स्कूल के लिए अपना निकल गए, अपना चलते हैं, रास्ते में हैं। तो इधर बहुत तेज धूप हो गया और बच्चे भी अपना चल दिए हैं। सुबह के टाइम बहुत भीड़ भाड़ रहता है क्योंकि सारे लोग अपना ड्यूटी पे जाते हैं, तो मैं बच्चों को अपना पकड़ पकड़ के चलती हूँ। तो इधर थोड़ा साइड एरिया था इसलिए अपना थोड़ा छोड़ के ही चली थी और शूट भी कर ली वीडियो। तो चलिए आगे भी बात करती हूँ, बताती हूँ क्या हुआ, क्योंकि हम लोग घर वापस आ चुके हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल हम लोग स्कूल से आ चुके हैं। ये देखो आगे अपना निकाल रहा है ड्रेस, टॉप्स पहले निकालता है। फिलहाल स्कूल तो गए नहीं, आधे रास्ते से आ गए और मोबाइल मैं देखती नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है सुबह सुबह मोबाइल देखने का मेरे को टाइम नहीं रहता है, और 2 बजे मेरे से जाया था करीब कि कल छुट्टी हैवी रहने के लिए, इस वजह से मैं मोबाइल नहीं देखी। अब फालतू का आधा दूर गई, वहाँ पे अचानक से देखी केवी के बच्चे वापस आ रहे, तब सोची थोड़ा मोबाइल देखती हूँ, तो देखी तो छुट्टी आया, दिमाग घूम गया मेरा खराब हो गया एकदम। फिर वापस आई वहाँ से बच्चों को लेके, और 2 बजे रात को मैसेज आया कि हाँ कल छुट्टी रहेगी। इधर बहुत बारिश हो रही है, पूरी रात भर दिन भर बारिश हो रही है, इसलिए फिलहाल अभी बहुत धूप हो गया, जिसकी वजह से छुट्टी हुआ आज, वही ख़त्म, बारिश ही ख़त्म, लेकिन आज छुट्टी हो गया। वापस आई भाग के, बाकी सुबह से उठ के सारा काम इतना फास्ट फास्ट करी, कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब तो हुआ। अब चलती है बच्चों को, अब सब निकालेंगे, चेंज करेंगे, फिर उसके बाद नाश्ता पानी हम भी फिलहाल चाय वाय कर ही लिए। मेरे को पढ़ने का टाइम होता है तो 9 बजे से बैठ जाऊँगी पढ़ाई करने, अपना टाइम तो सही है सब ना, अब आगे सब काम फ्री तो हो गई, कोई बात नहीं, चलते हैं आज यही चलेगा। लेकिन ये लगा कि आधा दूर से वापस आई, चल चल के धूप में, बहुत तेज धूप है, अब बारिश का छुट्टी हुआ है। चलिए फिर आगे भी दिखाती हूँ मैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट है। तो इधर हम लोग आ गए घर के ड्रेस में आ गए बच्चे फिलहाल, तो मैं भी चलती हूँ चेंज करने, क्योंकि नाइटी में ही मैं तो कम्फर्टेबल रहती हूँ। हाँ बस नाइटी में कंफर्टेबल रहती हूँ, चलती हूँ मैं भी चेंज करती, बच्चों का तो हो गया बस, भाई सुबह का इतना सारा मेहनत वेस्ट गया, ये सोच के अफसोस हो रहा है, कोई बात नहीं
आराम से चाय तो पीती पता रहता तो, क्योंकि चाय तो मेरे को इम्पोर्टेंट है एकदम, सब कुछ आराम से चाहिए होता है, लेकिन क्या करूँ अब आराम से नहीं हो पाएगा, चाय तो पी ली, अब देखूँगी कल आराम से, कल भी स्कूल है सैटरडे संडे। चलिए फिर आगे भी दिखाती हूँ। तो इधर पढ़ाई लिखा करने के बाद मैं फिर अपना कचौड़ी बनाने चल दी। तो कचौड़ी बनाने के लिए मैं मैदा निकाल ली, मैदा छान के फिर उसके बाद उसमें काला वाला जो जीरा होता है वो डाली, फिर अपना रिफाइंड डाली, रिफाइंड डालने के बाद फिर उसको अच्छे से मैश करूँगी, उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर ली, फिर जब तक ये लड्डू जैसा बन जाता है उतना रिफाइंड डालूँगी। तो उतना रिफाइंड हो गया फिर उसको मैं मतलब आटा लगा लेती हूँ उसका मैदा का, फिर इसके इसको थोड़ी देर रखती हूँ, तब तक मैं वो गाँठी बना लेती हूँ। तो गाँठी बनाने के लिए इसके अंदर बनने के लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस उसमें डालती हूँ मैं गाँठी में जीरा जवाइन और हल्दी नमक और भरा वाला मर्चा जो होता है वो मैं डालती हूँ, और उस मस्टर्ड ऑयल जो रहता है वो उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फिर इसके बाद इसको अच्छा से मिक्स करने के बाद फिर बनाने के लिए अपना रेडी करूँगी। तो इधर देखिए मैं सरसों का तेल थोड़ा सा डाल देती हूँ, उससे अच्छे से वो चिपक जाता है, चिपक जाता है तो अच्छा रहता है उसको भरने में भी। तो ये परफेक्ट एकदम रेडी हो चुका है, बस अब मैं बनाऊंगी तेल वेल सब रख के। तो इधर सारे सामान रख ली हूँ, तो इधर मैं सारा सामान रख ली हूँ, मैदा और सूखा मैदा और गाँठी ये सारा है, बाकी तेल गरम हो रहा है। फिर मैं यहाँ थोड़ा सा आटा लूँगी, उसको मैं कटोरी की टाइप बनाऊँगी, उसमें भरूँगी, भरना तो सभी जानते होंगे कैसे बनाते हैं। तो ये मेरा कचौड़ी चाट एकदम देसी घर का रहता है, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। तो सोचिए अपना वीडियो ही बना देती हूँ थोड़ा सा, शायद किसी को पसंद आ जाए, क्योंकि मेरे को तो बहुत पसंद है। तो ऐसे लगा के साइड साइड से पानी से फिर उसको अच्छे से बंद करने से वो खुलता नहीं, नहीं तो तेल में जाने के बाद वो अच्छे से खुल जाता है पूरा, उसमें से गाँठी निकल जाता है तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, ऐसे वो भरा रहता है तो मेरे को अच्छा लगता है। तो बाकी ऐसे हल्का सा प्रेस करके ही रहने देना है, छोटा छोटा बनाने से अच्छा लगता है। तो इधर सारे रेडी हो चुके हैं, बाकी मैं सारा और बना लूँगी। तो इधर अपना साथ साथ फ्राई भी करती रह रही हूँ, तो इधर दूध निकाल दी हूँ, हो चुका है। तो ये बहुत क्रंची है, लेकिन इसको मैं दबाऊँगी, जल रहा है फिलहाल। तो साथ साथ मैं खट्टी मीठी वाली चटनी भी बना ली हूँ, और कचौड़ी चाट जब भी मैं बनाती हूँ तो पूरा एकदम बाकायदे सब कुछ साथ साथ बनाती हूँ। तो इधर मैं सब कुछ हो चुका है, तो इधर बनाऊँगी अब ओरियो शेक। तो ओरियो बिस्किट इसमें डालती हूँ, फिर ठंडा ठंडा दूध भी चाहिए तो इसमें थोड़ा दूध भी ऐड करूँगी, फिर चीनी भी डालूँगी, फिर इसको पीसूँगी अच्छे से मिक्सर में। तो बाकी सारा दूध एक ही साथ नहीं डालूँगी, तो अपना फिर उसको पीसने के बाद फिर एक ही साथ सारा दूध डाली, फिर एक बार और ग्राइंडर के। फिर तो ओरियो शेक फाइनली रेडी हो चुका है, अब चलते हैं, हम लोग का खाना भी सारा रेडी हो गया। तो आज हम लोग को लंच में है कचौड़ी चाट, हम लोग एक ही बार खाते हैं, जो भी बन जाए अपना एक ही बार खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के साथ अपनी भी पढ़ाई करनी है, अब चार टाइम खाना बनाऊंगी तो पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी, इसलिए मैं अपना एक ही बार खाती हूँ। खाने को तो एक ही बार भूख लगता है, लेकिन बनाती भी एक ही बार हूँ। तो इधर देखिए सब कुछ, खट्टी मीठी चटनी, तीखी चटनी, दही और ओरियो शेक, कचौड़ी, छोला, सब कुछ रेडी हो चुका है। अब चलते हैं, मिक्स करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बच्चे भी बैठ गए, हम भी अपना लाइन लगा के बैठ ही गए हैं। तो चलिए तोड़ के उसको मिक्स करके अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर भरा हुआ, ये थोड़ा ठंडा हो गया इस वजह से थोड़ा हार्ड हो गया, लेकिन अच्छा है, मेरे को ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना क्योंकि उसे एकदम तेल की टाइप और अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मीडियम ही डालती हूँ। तो कचौड़ी तोड़ दी, उसके बाद इस पर छोला डाली, फिर मतलब जितना जहाँ खाना उतना डालो। तो अपना फिर खट्टी मीठी चटनी, फिर तीखी चटनी, हरी धनिया वाला पीसी हूँ, तीखी चटनी है, फिर खट्टा मीठा चटनी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जिसको जितना पसंद हो। तो फिलहाल अपने हिसाब से मैं तो डाल रही हूँ। तो इधर फिर इसके ऊपर दही डाल रही हूँ, तीखी चटनी तो एकदम अच्छा लगता है मेरे को, अच्छा सा भर भर के डालती हूँ। तो फिर इस पर दही डालने के बाद वो भुजिया वाली नमकीन आती है वो भी ऊपर से छिड़क दो, फिर मस्त चम्मच लगा के खाओ। तो हम लोग का ये रेडी हो चुका है कचौड़ी चाट, परफेक्ट एकदम खाने वाला। तो आज का लंच हम लोग का यही है। तो कैसा लग रहा है देखने में कमेंट करके बताइए, आप लोग को कैसा लगता है वो भी बताइएगा, पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब चलते हैं बच्चों को सुलाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।